दोस्तों, आपने फिल्मों में कई खतरनाक और लाजवाब स्टंट्स देखे होंगे। जहां इनमें से कई स्टंट्स असली होते हैं तो वहीं कई स्टंट्स ग्राफिक्स की देन भी होते हैं। पर आज हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उनमें आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे डेयरडेविल्स की खतरनाक जंप्स देखने को मिलेंगी जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 13,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के कूदने से लेकर हाईएस्ट क्लिफ जंप तक आज की हमारी ये वीडियो पूरी तरह से एक्शन पैक्ड होने वाली है। चलिए अब चलते हैं इस बेहद रोमांचक सफर पर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, 2015 में स्विट्जरलैंड के लेजो शलार ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जब उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची क्लिफ जंप को अंजाम दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्लिफ की हाइट 193 फीट थी, जो पीसा के टावर से भी ज्यादा ऊंचाई थी, और लेजो ने अपनी इस जंप को केवल 3.5 सेकंड में ही पूरा कर लिया। इस जंप की सबसे कमाल की बात थी उनकी जंप की स्पीड, जो 123 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। इस स्टंट को करने के बाद लेजो कुछ सेकंड्स तक पानी से बाहर नहीं आए और लोग चिंतित होने लगे, पर जैसे ही वो बाहर आए लोगों ने उनकी खूब हौसला अफजाई भी करी। दोस्तों, मुंह पर मास्क पहने ये व्यक्ति पूरी YouTube की जनता को अपने क्रेजी और इंसेन जंप से हैरत में डाल रहा है। ये शख्स बिना पैराशूट के ऐसे खतरनाक जंप्स को अंजाम देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ समय पहले ही ये व्यक्ति इंटरनेट पर इतना पॉपुलर हो चुका था कि ABC न्यूज चैनल ने भी इसकी रिपोर्ट अपने चैनल पर दिखाई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये शख्स एक बिल्डिंग के 8 फ्लोर से जंप कर देता है और एक पुल से कुछ ही सेंटीमीटर दूर लैंड करता है। ये कुछ सेंटीमीटर का फासला ही उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला भी हो सकता था, पर उसने ये जंप सक्सेसफुली करके पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। दोस्तों, 2014 में फ्रेंच बेस जंपर्स प्रिंस और फ्रेड ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया जब उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से विंग सूट पहनकर जंप लगा दी। इस पूरे इवेंट को स्काईडाइव दुबई नाम की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था और उन्होंने बिल्डिंग के टॉप पर एक प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल कर दिया था जिससे इन स्काईडाइवर्स को किसी तरह की तकलीफ ना हो। 828 मीटर की इस भयानक ऊंचाई से कूदते हुए इन दोनों डेयरडेविल्स ने इमारत के चक्कर काटते हुए बड़े ही मजे से अपनी इस जंप को अंजाम दिया और कुछ सेकंड्स बाद अपने पैराशूट खोलकर वो सेफली जमीन पर लैंड भी कर गए। दोस्तों, अमेरिका के 56 साल के डैरन टेलर ऐसी जंप्स लगाने में माहिर हैं जो अच्छे से अच्छे क्लिफ जंपर्स नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर स्प्लैश के नाम से जाने जाने वाले डैरन अपने चेस्ट के बल जंप लगाते हैं और बच्चों के पूल में लैंड होते हैं। इस जंप को करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करा हुआ है। हम आपको बता दें कि इस पोजीशन में जंप लगाना बेहद दर्दनाक होता है और जरा सी भी मिसकैलकुलेशन आपकी जान भी ले सकती है। इसी कारण डैरन की ये जंप इतनी स्पेशल बन जाती है। आपका इनकी इस जंप के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, जेफ कॉर्लिस को दुनिया का सबसे बेहतरीन विंग सूट पायलट कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे स्टंट्स कर दिखाए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अक्टूबर 2013 में इन्होंने अपना विंग सूट पहनकर चाइना के लैंगशैंग माउंटेन की एक 10 फीट की दरार के अंदर से सक्सेसफुली पास होकर इतिहास रच दिया। देखने में ये जितना आसान लगता है उतना तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जेफ 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ रहे थे और जिस प्रेसिजन के साथ उन्होंने इस जंप को अंजाम दिया वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, पेश है आपके सामने वो दिलेर व्यक्ति जो 13,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के कूद गया। इस व्यक्ति ने इस ऊंचाई पर पहुंचकर अपना पैराशूट नीचे फेंक दिया और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो भी इस एयर बलून से जंप लगा बैठा, जो या तो इसकी बेवकूफी थी या फिर इसकी दिलेरी। इसको फिल्माने के लिए इसकी टीम भी इसके साथ नीचे कूदी, पर उन्होंने पैराशूट पहना हुआ था और अपनी जंप के 40 सेकंड बाद ही इस आदमी ने अपने क्रू के एक मेंबर को पकड़ लिया और फिर उसके पैराशूट के सहारे वो बिना किसी हानि के जमीन तक पहुंच भी गया। आपका इस बेहद खतरनाक स्टंट के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खतरनाक जंप्स जिन्हें देखकर आप हैरान तो जरूर हुए ही होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।